जर्नलिज्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों साइड से, एक एक्टर की साइड से भी और जहाँ पर हम काम करते हैं उनकी साइड से भी। हमारा काम है कि हम अपना काम बहुत ही ऑनेस्टी और जो हमसे एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से करें, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वॉन्ट कि जो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए वो भी हों। सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ काम करके और आई एम लविंग दिस जर्नी। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और या आई थिंक दिशांक बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं, तो बट व्हेन इट कम्स टू लाइक टाइम से आना, सेट पर रिहर्सल करना, लाइंस करना, आई थिंक आई एम हैविंग अ वेरी वेरी गुड टाइम। खुद को भी मज़ा आता है यार परफॉर्म करने में, क्योंकि नया शो आप वैसे ही 100 चीज़ें सोच रहे होते हो अपने दिमाग में, तो अगर एक ऐसा को एक्टर आपको मिले जो अपने काम को लेकर उतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, सो इट्स अ चेरी ऑन द केक। सो या आप भी अब मेरी थोड़ी तारीफ कर सकते हो। आई थिंक अपर्णा ने सब कुछ बोल दिया, तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है उसने, बट राइटली सेड। आई थिंक एक एनवायरनमेंट, अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबके लिए, और प्रोफेशनलिज्म, येस ऑफ कोर्स इट्स देयर, एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम विद ऑप्टिमिस्टिक एंड आई थिंक आई एम ब्लेस टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड हमारे एच ओ बी पीछे मुझसे घूर रहे हैं यहाँ से। आई थिंक आई ट्रूली फील ब्लेस्ड दैट आई लैंडेड हेयर, एंड एज फार एज एवरी वन इज़ कंसर्न, एवरी वन इज़ वेरी प्रोफेशनल, और बहुत मज़ा आता है। जब तक फन ना हो तो काम करने में मज़ा भी नहीं आता, तो येस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड गुड थिंग। आई थिंक बहुत अच्छी फीलिंग है सबको व्हेन इट्स नंबर वन चैनल, सबको देखने को मिलेगा और सबको अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आई थिंक दंगल इज़ डूइंग समथिंग अनयूजुअल जो अभी तक चल रहा है। दिस इज़ द फीडबैक विच आई गॉट इट कि ये जो शो, जो तुलसी हमारी बड़ी सयानी है, वो सब शो से हटकर है, कुछ ऐसा दिखा नहीं कभी। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड वी श्योरली गोना रॉक। और यस, थ्री चेयर्स फॉर तुलसी हमारी बड़ी सयानी है। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप।